कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टोनो मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको कोई भी वैकेंसी स्टेनो से रिलेटेड होती है, आपको सबसे पहले आपको बताई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना दोस्तों मत बोलिएगा। दोस्तों, जैसा कि अभी यूट्यूब पे बिल्कुल पहली आपको ये आपको वीडियो मिल रही होगी, दोस्तों मध्य प्रदेश से विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, यहाँ जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिए बीच में दिया है स्टेनोटाइपिस्ट। और दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश देखेंगे किसकी है, हिंदी वालों की है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वाले तो डरेंगे नहीं, बिल्कुल हिंदी वालों की भी है ताकि हिंदी वाले डरे नहीं। तो दोस्तों, आते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ग्रेड 3 की वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड की रिक्त वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, आपकी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड रिक्त पदों के लिए दिनांक जो है ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन जो है वो 10 नवंबर 2022 से आवेदन पत्र आमंत्रित है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ होती है आपके सामने है, ठीक है। आप टेलीग्राम में जाकर, चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपका लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। अगर उससे नहीं ज्वाइन हो रहा तो जाकर टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे स्टेनो मास्टर बाई बाइबल्स क्लब, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको जैसा दिया हुआ है सहायक ग्रेड की, दोस्तों तो सहायक ग्रेड की देखिए 9 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपकी 40 वैकेंसियाँ, ठीक है। और स्टेनो टाइपिस्ट सचिवालय की जो दोस्तों हैं वो आपकी 2 वैकेंसी है, ठीक है, और लेवल 4 की, ठीक है। और जो तो दोस्तों सुरक्षा गार्ड की है वो आपकी दोस्तों 13 वैकेंसी, यानी आपकी जो स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है वो 2 हैं, ठीक है, और ध्यान रखना और हिंदी वाले हैं, ठीक है। ये मत आप सोचना कि हिंदी वाले नहीं हैं, ताकि इंग्लिश वाले केवल देखें, आप सोचो इंग्लिश 2 हैं तो इसका मतलब इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन कैसे करना है, कैसा क्या है, तो ये वेबसाइट भी दी आपको दी हुई है। अब दोस्तों, आते हैं लेवल, जो इसका पे ग्रेड है वो 3 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी जो आरंभ डेट है आवेदन की वो दोस्तों है 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर से इसकी स्टार्ट डेट है। और इसकी अंतिम डेट दोस्तों जो है वो 10 नवंबर है, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ऐसी मैंने गलती कर दी थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आवेदन डेट जो है वो आपकी 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों जो इसकी अंतिम डेट है वो दोस्तों आपकी 10 नवंबर है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। 10 नवंबर तक आप लोग ये फॉर्म भर के फिलअप कर देना, सबमिट कर देना पूरा, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं, इसमें देखिए टाइपिस्ट की जो वैकेंसी, इसका मैंने पूरा अभी बता ही दिया आपको पूरा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब यहाँ पर पद घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ यह विज्ञापन सचिवालय की भर्ती के नियम के अनुरूप प्रकाशित किया गया है, ठीक है। यहाँ पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, पृथक पृथक, अगर आप एक से ज़्यादा पर भरते हैं तो उसके हिसाब से उसको शुल्क देना होगा, ठीक है। अगर आप स्टेनो की भरेंगे तो अलग शुल्क, सुरक्षा गार्ड की भरेंगे अलग शुल्क, सहायक ग्रेड की भरेंगे अलग शुल्क, ठीक है। और इसमें लिखा है विज्ञापन सम्मिलित समस्त पदों का अपरिहार्य करने हेतु अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो तो वह भी आवेदन का पात्र है। यानी दोस्तों, अगर इसमें जो चीज़ मांगी हुई, जैसे इंटर मांगा हुआ है कि ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, वो आगे हम बताएंगे। तो अगर जैसे आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मांगा होगा इसमें पक्का, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपका थर्ड ईयर है, अगर मान लीजिए आप थर्ड ईयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ये कहा है। लेकिन इससे उत्तीर्ण होने से संबंधित आपका प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है, ठीक है, आगे मतलब प्राप्त हो जाएगा ये, मतलब जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तब तक आपका हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब कहने का। फोटो हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, ठीक है, बाकी आप लोग सब लोग देख लेना, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मुझे, तो आगे देखते हैं, आप लोग सब देख लेंगे। इसमें ये भी दिया है कि परीक्षा सूची, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा अलग होगी, स्किल टेस्ट आपका अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सबका एक ही में होगा, सब अलग अलग होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि शुल्क जमा आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अंतिम के पहले पहले कोशिश कर देना, जमा कर देना, ठीक है। और
इसमें दिया आवेदन स्वीकार किया जाएगा और जमा शुल्क जो है वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये सब आप लोग जानते होंगे, तो इसमें देखते हैं कि सहायक ग्रेड क्या दिया हुआ है। तो सहायक ग्रेड से क्या मतलब, अब आपको मेन चीज़ बताते हैं स्टेनो के लिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल दोस्तों जो टाइप लेखन है, देखिए आपको कितना सरल है, 300 वर्ड टाइप करने हैं। सोचिए हिंदी में 300 वर्ड टाइप करने हैं आपको कितने मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है। अब अगर आप मेरी 6 महीने भी क्लास करे होंगे, और इवन अगर हाँ 6 महीने आप क्लास करें हैं तो आराम से इसको लिखें, इवन 4 महीने भी करें हैं तो लगभग लगभग कर लेंगे आप, ठीक है। अगर हार्ड मैटर नहीं बोलते, नहीं तो 6 महीने वाला तो पक्का ही कर लेगा, ठीक है। 0 से 6 महीने करने वाला, ठीक है। ऐसे तो आप लोग जो भी 80 और 70 वाले हैं, 60 वाले हैं, अगर 1 महीने भी कर लेंगे तो आपको जाएगा, ठीक है। और इसमें पद 2 हैं, श्रेणी आपकी 3 दी हुई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। वेतनमान आपको दिया है यहाँ पर 19,500 से 6,200, लेवल 4 की है, ठीक है। यहाँ इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशानुसार महंगाई भत्ता, मतलब आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा समय समय पर। परीक्षा अवधि देखिए 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, चयनित जो अभ्यर्थी की नियुक्ति है वो 3 वर्ष परिवीक्षा पर की जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसका जो है सिस्टम वो थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ये है कि इसका 3 वर्ष का सिस्टम है, अगर पहले आपको देखा जाएगा नियुक्ति जो है वो 3 वर्ष के लिए, समझ रहे हैं, तो उसमें आपका देखा जाएगा, फिर वैसा होगा उसका सिस्टम पूरा, ठीक है। मान्यता प्राप्त 10+2 मांगा है इसमें, ठीक है, 10+2 मान्यता प्राप्त मंडल से, ठीक है। हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक प्रथम श्रेणी, या तो आप स्नातक मतलब ग्रेजुएशन है तो भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, प्रथम श्रेणी है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का, ये देखो यहाँ डिप्लोमा ये जरूरी इन्होंने बोल दिया है, ये डिप्लोमा होना ही जरूरी है। विश्वविद्यालय से या मान्यता प्राप्त संस्था से कोई 1 वर्षीय डिप्लोमा, और कहाँ से प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ सीधा सीधा बोला है मध्य प्रदेश शासन, यानी दोस्तों ये MP से ही आपका मान्य होगा। जैसे CPCT, मैंने बहुत लड़कों को बोला है कि MP के जितने भी लड़के हैं वो CPCT या IIT जरूर कर लिया करिए, IIT, ठीक है, तो आप उसी का दिया हुआ है तो आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि आप वो टाइपिंग दिया था 300, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 300 जो है वो 80 वर्ड पर मिनट वाला है, ठीक है, वो टाइपिंग है। ये आपका जो 80 वर्ड पर मिनट होगा ये आपका दोस्तों 5 मिनट होगा, वो टाइपिंग जो आपकी कराई जाएगी हिंदी में, टंकड़ में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ध्यान रखना। हिंदी में आपकी 300 वर्ड और अंग्रेजी में आपकी 150 वर्ड की होगी, ध्यान रखना उसको, ठीक है। और तत्पश्चात आपका ये जो है ये आपका 480 वर्ड पर मिनट 5 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, तो ये 400 वर्ड होगी, ठीक है। और इसके बाद आपको 25 मिनट में इसको टाइप करना है, देखिए ये सामने दिया हुआ है ताकि आप लोग टेंशन ना ले, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, ये भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका देखिए 150 मिनट में है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो गया आपका, इसके बाद देखते हैं, ये सुरक्षा गार्ड का इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉर्म को भर लेंगे, और बाकी जो इसकी PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। और जिसको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप लोग वहाँ कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन के लिए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो देखिए इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना आप लोग, कि उसमें आप लोगों को जो प्रमाण पत्र है वो लगना जरूरी है। अब दोस्तों आते हैं परीक्षा पे, तो दोस्तों यहाँ परीक्षा देखिए कि सबकी परीक्षा का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ आपको कि परीक्षा में इसमें क्या है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर पहले पेपर होगा 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी हो गया, मध्य प्रदेश से सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है, GS का होगा, ठीक है। और उसमें और कुछ नहीं होगा, केवल एक ही चीज़ होनी है, ठीक है, और उसमें यही पूछा जाएगा, ये जो यहाँ दिया हुआ है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान 50 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आपका जो है, ठीक है, वो 50 नंबर का, और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार, ठीक है, ये आपका होगा। और ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ आधार पर 10 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, जितने लड़के पास होंगे इसमें उसके 10 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, मतलब जितने वैकेंसी निकली है तो उसके 10 गुना, क्या मतलब, समझ लो कि 200 लड़का करीब बुलाया जाएगा, ठीक है। और
ये देखिए यहाँ बाकी हो सब दिया हुआ है, तो ये कोई मतलब का नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है ये देखिए मध्य प्रदेश, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। और ये देखिए कंप्यूटर से क्या क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर दिया है कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या आएगा। इंग्लिश वाले भी इसी तरीके स्क्रीनशॉट ले लेंगे एमएस वर्ड से, ठीक है। और ये आपका पूरा फॉर्म दे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और बेल आइकन दबा लेंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, उसी में आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और जिसको कोर्सेज चाहिए हो या कोई भी सूचना चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।